अच्छा देखें, हम सब माशाल्लाह ग्रो तो कर रहे हैं। अगर हम पिछले 2-3-4 सालों में देखें, तकरीबन लड़के बेहतरी की तरफ ही आए हैं। सब किया है, किसी ने शॉर्ट अमाउंट में किया है, किसी ने बिग अमाउंट में किया है, लेकिन एक चीज है जो कि हम गेन नहीं कर रहे, जो मैंने फील की, जो मुझे पहला टॉपिक नजर आया, मैंने कहा सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए, वो ये है कि मैच्योरिटी जो एक इंसान की उम्र के साथ आती है। अब हम उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, हम 25 से देखा में मिनिमम कोई लड़का होगा, तो दहा के अलावा तो 25 प्लस ही होंगे, और 30 की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, 30 और 30 प्लस वाले ही हैं, 35 से अब कोई भी होगा अब्दुल रहमान साहब के अलावा। तो अब ये वो एज है जिसके अंदर हमें अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए जो है ना, हमें मैच्योरिटी लेके आनी है। अब वो सबसे ज्यादा मुझे जो लेक ऑफ मैच्योरिटी नजर आई ना, वो अपने ऑफिस के अंदर ही नजर आई। राहिल ने भी वही टॉपिक कवर किया, जाजिर ने भी कवर किया, मैं भी वही लिख के बैठा हुआ था कि हम देखें इंसान जहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम गुजारता है ना, वही उसमें से रिफ्लेक्ट होता है। अब हम कहते हैं घर पे, घर घर में जैसा एनवायरमेंट होता है वो ये हमारा घर है। अगर देखा जाए तो जितना वक्त हम घर में गुजारते हैं तकरीबन उतना ही वक्त हमारा यहाँ भी गुजरता है ना। अब हम घर में ही जो हमारे रवैये होते हैं आपस में लड़कों के, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को खड़े होकर चीख चीख के काउंटर करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी ने भी गलती कर दी तो 4 लड़के बैठ के हंस रहे हैं, ठीक है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ना कि सपोर्ट करके उसको करेक्ट करें। अगर किसी ने कोई अल्फाज गलत बोल दिया कहीं पे, देखिए हम सब जहाँ से बिलोंग करते हैं सबको पता है, इसमें कोई इंसान को अपनी हैसियत का, अपनी औकात का अंदाजा होना चाहिए, तो ही वो सेल्फ एनालिसिस कर सकता है, वरना वो सेल्फ एनालिसिस नहीं कर सकता। तो हम आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, अलग अलग आगे रखते हैं। अच्छा भाई, यही चीज मैं देखता हूँ जब हम कहीं जाते हैं सब, तो ये डिफरेंस जब नजर आता है, कोई हमसे बड़ी एज के कोई लोग बैठे होते हैं और हम लोग बैठे होते हैं, तो ये डिफरेंस उस वक्त दिखता है। हमारे अंदर अनमेच्योरिटी जो है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा झलकती होती है। इसकी बहुत सारी जिंदा मिसालें, नाम लेके नहीं कहूंगा, कि जो लोग आपस में सिर्फ मोहब्बतों में लड़ रहे होते हैं ना, तो वो बाहर जाके भी, घर से बाहर निकल के भी वही लोग लड़ रहे होते हैं। मतलब मोहब्बतों में जैसे कुछ लड़के हैं जो एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं मस्ती मजाक के अंदर, भले वो खाना भी साथ एक दूसरे के बगैर नहीं खाते होंगे, लेकिन ब्लैक पुलिंग चल रही होती है। इस चीज से थोड़ा सा अवॉइड करें। मेच्योरिटी के बगैर जो है ना, हम लोग ग्रो तो करेंगे लेकिन बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। जो एक क्लाइंट भी मांगता है, क्लाइंट भी मांगता है कि यार मैं जिस बंदे से काम करूँ वो एक मेच्योर बंदा हो, ना कि लड़कपन वाला बंदा हो, समझता हो चीजों को। आप ये चेक कर लो कि हमसे ज्यादा जो उम्र में बड़े ब्रोकर मार्केट में मौजूद हैं, और जब क्लाइंट उनके साथ काम करने बैठता है और हमारे साथ करने बैठता है, तो सिर्फ मेच्योरिटी के पीछे जो है ना, उसके पीछे चला जाता है काम करने के लिए। जो हमसे बड़े ब्रोकर हैं, बहुत सारे केसेस में होता है कि यार वो फलां ब्रोकर है, वो खा गया डील, चाहे वो उसको इंग्लिश बोलनी आती है नहीं आती, वो उर्दू बोलता है, व्हाटएवर वो कोई और लैंग्वेज बोलता है, अगर उसने वो मेच्योर है, उसकी दाढ़ी है, उम्र में बड़ा है, मेच्योरिटी की कुछ साइंस भी होते हैं ना, जब रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, इवन कि वो सलवार कमीज क्यों ना पहना हुआ हो, सिर्फ मेच्योरिटी के पीछे जो है ना लोग चले जाते हैं काम करने के लिए क्लाइंट के पीछे। तो वो मेच्योरिटी की हमारे अंदर इस वक्त अशद कमी है, और वो मेच्योरिटी जब ही आएगी जब हम आपस में एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, अपने अंदर ठहराव लेके आएंगे, तेज दौड़ना बंद करेंगे, ठीक है, तेज बोलना बंद करेंगे, शोर शराबे बंद करेंगे, तो हमारे अंदर मेच्योरिटी आएगी। अब मेच्योरिटी, अब लाइफ क्या है, लाइफ इज अ ट्रेवल, सफर है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने, या हमने डिसाइड करना है कि हमने किस डायरेक्शन के अंदर सफर करना है, सही है, बस ऐसे दौड़ते रहना है कि आटे की बोरी कंधे पे उठा के रख के पहुंचाना है, सबसे ज्यादा मेहनत तो वही कर रहा हूँ, या मैंने अपना काम पूरा कर लिया नहीं, डायरेक्शन बड़ी मैटर करती है ना, किस डायरेक्शन में। अल्लाह पाक ने हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया है, अगर हम इससे, अब दो ऑप्शन है, या तो सिर्फ गुजारा कर लें, या तो सिर्फ अच्छा खा पी लें, ठीक है, या तो एंटरप्रेन्योर बन जाए, तीनों ऑप्शन हमारे पास खुले हैं। या तो बस ठीक है यार, एक गाड़ी ले ली, केस आएंगे सक्सेस का, आपने एक गाड़ी ले ली सुबह के अंदर, सही है, लेकिन अगर इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे ना, तो ये गाड़ी बड़ी नहीं होगी। सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे तो ये गाड़ी बड़ी नहीं होगी, गाड़ी गाड़ी ही रहेगी। मैं ऐसे ब्रोकर्स को जानता हूँ जिन्होंने हमारे DHA से, मतलब पुरानी हिस्ट्री से, बंदा अपने लोगों से सीखता है, जो सीनियर ब्रोकर थे, जो जहाँ अपनी अपने आप से सेटिस्फाई हो गए ना, वो वहीं रहेगा। मतलब वो उन्होंने ग्रो नहीं की, उनके आने वाले बच्चे बहुत तेजी से आगे निकल गए, ठीक है। हम अपने DHA के डिपार्टमेंट से भी अगर हम जिंदा मिसालें हैं, जो लड़के वहाँ बैठे हुए थे जिन्होंने
सेटिस्फाई होके बैठे रहे कि बस ठीक है यार, खाने के बाद फोन नहीं उठाना, बोले मेरी मेरी लिमिट है, मेरी बाउंड्री, कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं निकले, तो आज वो बेचारे बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सके। जबकि उसके बरक बीटीके में कितने लड़के आए, वो चल आगे बढ़ गए। हमने एक शुरू से एक एनवायरमेंट क्रिएट रखा बेचैनी वाला आपस के अंदर, यार काम करना है लड़के, हर बंदे की कोशिश होती है काम करें काम करें काम करें, काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं जिनकी डायरेक्शन सीधी नहीं है, जो कि अपने आप से सेटिस्फाई हो जाते हैं और सुकून से बैठ जाते हैं। तो उनके लिए ये कि यार ये जिंदगी का सफर जो है ना, इसमें आपने एक मकाम सेट करना होता है कि यार मैंने यहाँ तक जाना है, कुछ नहीं आप एक रोल मॉडल कर लो, यार मैंने बिलाल तालिक तक पहुँचना है, मैंने नादिर कॉस्मोस तक जाना है, या मैंने जो है फराज भाई तक जाना है। ठीक है, अपने रोल मॉडल सेट करें, क्योंकि अगर टारगेट नहीं होगा ना तो आप धीरे धीरे चलाएंगे। फिर हमारे अंदर थोड़ी सी कमी आ रही है इस वक्त, जो अशद कमी है क्रिएटिविटी की, जिसको जो फॉर्मेट कंपनी की तरफ से हमारे यहाँ बना हुआ मिला हुआ है, सब उसी पे काम करे जा रहे हैं। फेसबुक प्राइस लिस्ट है, ये वो, कोई नई बात कोई नहीं कर रहा। जैसे जहाँ से स्टेप लिया कि यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा है, वीडियो अपलोड कर रहा है, ठीक है, कोई लड़का कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं बता रहा। देखें अपॉर्चुनिटीज ना वो आपने अवेल करनी होती है, और हंटिंग जो है ना मार्केटिंग में हंटिंग बड़ी मैटर करती है, आपने हंटिंग कैसे करनी है। अब एक जगह मछली नहीं, आप डोर डाल के बैठे हुए और बोले यार मछली नहीं लग रही, मार्केट ठंडी है, मार्केट ठंडी, भाई कुछ नहीं होती। मैंने जब भी काम किया है ना ठंडी मार्केट में काम किया है, तो पुराने वक्तों को बता रहा हूँ, जब जब अच्छा काम हुआ है साल के जिन महीनों में, वो ठंडी मार्केट के महीनों में ही काम हुआ। उसमें चीजें स्टेबल होती हैं, आपके कंट्रोल में होती हैं। अगर कोई बोल रहा है कि वो मार्केट ठंडी है, काम नहीं है, लोग मीम चला रहे होते हैं, उनसे इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। हमें काम और ठंडी मार्केट में कर सकते हो। कोविड के ऐसे दिन जिसमें दफ्तर नहीं खुल रहे थे और अमात और मैंने अच्छा काम किया हुआ था, ठीक है, उसकी वजह क्या थी, कंसिस्टेंसी। छोड़ के बैठ जाते तो नहीं होता। कोविड में जिस दिन लॉकडाउन लगना शुरू हुआ उस दिन गाड़ी परचेज की है, क्यों, कंसिस्टेंसी से काम करते रहे, नहीं छोड़ा। कंसिस्टेंसी जो है ना, थकावट लेना अपने ऊपर काम करने, थकावट से बुरा ऐसा नहीं कि घरे वाली मेहनत। मैं देखता हूँ लड़के एक डील करते हैं, दो दिन गायब हो जाते, पता है ट्रांसफर हो गया 50,000 एक लाख बजट में आ गया, तो ठीक है यार एक वीक को रेस्ट मिलता है, नहीं किया करें। कंसिस्टेंसी जो है ये आपको अगले 5 सालों के अंदर और 10 सालों के अंदर नहीं लेके जाएगी, अगर वरना तो सिर्फ सफर चलता रहेगा। अगर आप ठहर गए चल गए तो बस सफर ही रहेगा। इसके अलावा लाइफ के कुछ गोल्स जो है वो जरूर सेट करें, चाहे वो एक बंदा अपने लिए गाड़ी की बाइक से गाड़ी की विश कर ले, ठीक है, लिख लो उसको। अगर गोल्स नहीं है ना लाइफ के अंदर, अगर लिखे हुए गोल्स नहीं है तो आपको पता ही नहीं कि मैंने जाना किधर है, आपके पास अपने डेस्टिनेशन का ही नहीं पता आपको कि मैंने जाना किधर है, बस दौड़ते रहेंगे। तो सबसे बेहतर तरीकेकार ये है कि STP और LTP, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, इसके ऊपर मैं एक दफा पहले ही बात कर चुका हूँ, ये आपने बना लिया। शॉर्ट टर्म जैसे कि आप बोले यार मेरे 6 महीने के अंदर एक्स लेना है, कोई फोन लेना है, मेरा फोन खराब है मुझे लेना है, साल के अंदर आपने टारगेट रख लिया मैंने गाड़ी लेनी है, तो ये जो टारगेट है ना ये आपके अंदर बेचैनी पैदा करते हैं, ये आपको घर से उठा के जो है ना 102 फिगर में भी ऑफिस पहुंचा देते हैं, कड़की धूप के अंदर भी आपको ये ऑफिस पहुंचा देंगे, बोलेंगे यार मेरे पास 2 लाख रुपए कम है गाड़ी लेने के अंदर, मैं जाता हूँ 70,50,000 रुपया काम लेते लौट के जाता हूँ। गोल ही नहीं होगा तो आप बोलोगे यार 4 लाख तो पड़े हुए बस ठीक है आज आराम कर लेते, दरिया सेट नहीं है कवर टिका लेते, और अगर 10 लाख की गाड़ी के अंदर 6 लाख शॉर्ट होंगे ना तो आप उठ के आओगे बोलोगे यार हो सकता है अगला लाख हो रहा जाए, क्योंकि हमारा काम तो ऐसी है ना, उसके आएंगे काम करेंगे तो काम होगा ना। तो इसमें जो है ना हमें गोल सेट, मेरे ख्याल में एक हर बंदे के पास अपनी गोल लिस्ट होनी चाहिए, चाहे वो आप तकी के नीचे छुपा के सोए, किसी को ना दिखाएं, चाहे वो ऐलान करें, लेकिन गोल लिस्ट शॉर्ट टर्म गोल की और लॉन्ग टर्म गोल की होगी तो अगले 5 सालों में, अगले 2-3 सालों में कहीं होंगे, तेजी के साथ होंगे। गोल लिस्ट नहीं है तो ऊंचा सीमा बैठ के चलते रहेंगे। इसके अलावा एक चीज है जो मेरे अंदर भी कमी है, वो है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना वो सब्जेक्ट है सक्सेस के अंदर, टाइम मैनेजमेंट। ये मुझे भी शायद इस पे थोड़े से काम करने की जरूरत है और आप सबको भी जरूरत है। टाइम मैनेजमेंट कर लें, क्रिएटिविटी लेके आए, इनोवेशन लेकर आए, कोई सेल्फ एनालिसिस करें, ठीक है, लर्निंग करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, बिहेवियर के ऊपर सबसे पहला मैंने मैच्योरिटी भी किया, आपस में दूसरे के साथ करें, फर्क पड़ेगा। अब जैसे आगे भाई बढ़े, आप आगे बोले आमिर साहब
क्लाइंट को तो बोलते ना वो है तकी, वो उसको माजी साहब बोल रहा खान साहब, तो मैंने उसका नाम ही जरी साहब रख दिया। आप किसी क्लाइंट के सामने बात कर रहे होते ना जरी साहब क्या ले, अब वो एक अलग इंप्रेशन जा रहा है, मतलब यार ये बंदा मेच्योर बंदा है, क्लाइंट बैठा मैं तकी को फोन किया तकी हो रहा तकी रवि साहब क्या हाल है, तो वो रवि साहब भी जब उस वक्त मुझसे बात कर रहे होते ना, मैं इवन के लाउड स्पीकर बात कर लूँ तो मुझसे क्लासिकली बात नहीं करेगा, ये फैक्ट है। क्लाइंट के सामने लाउड पे बात करूँ तो एक क्लासिकली बात नहीं करेगा, जब उसको पहली कॉल में जाके बोलूंगा रवि साहब क्या हाल है कैसे हैं आप मेरी सौदा बता दें मुझे, ये मेच्योरिटी के साइंस है, तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। वही कहूंगा कि ठीक है सब अच्छा है अलहमदुल्ला ग्रो कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि हम ग्रो करें, स्लो चलें स्टडी चलें, अपने आप को ग्राउंड मजबूत करके चले, बेस मजबूत करके चले, ताकि अगले जो आज है वो कल नहीं होंगे, बदल देंगे अगले चार सालों में पांच सालों में हम ग्रो करेंगे। और जब हम एज के 40 साल के फैक्टर में हो ना तो हम अपने अपने पीक पे हो, अभी हमारे पास 5-5-10 साल सबके पास है, अगर इसको एनालाइज करके चलेंगे तो अगले 5-10 सालों में हम बहुत अच्छे होंगे, हम वो लड़के देखेंगे जो मार्केट के अंदर जो है सक्सेसफुल यंगस्टर है ना, देखें शायद का अभी तो गए उसने 20 साल लगा दिए 25 साल लगाए हुए, या जो बड़ी उम्र के ब्रोकर हैं इरफान बेमन हो गया, या कम एज के अंदर एंटरप्रेन्योर बने आप उनको रोल मॉडल रखें, ठीक है जैसे नादिर कॉस्मोस है, यंग लड़का है क्या काम है उसका, ठीक है साकिब कादरी है यंग लड़का है, चलो उसको तो ग्रांट हुआ है कहीं से शायद कादरी की तरफ से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सही है ये जिब्रान ब्लूअर्थ मेरे साथ का आया हुआ है, जिना कमर्शियल बना रहा है, पीछे बिल्डिंग बना के जा चुका है, बन रही है हमारे पीछे, और भी दो चार प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है ये क्या है इन्होंने जो है ना मुसलसल मेहनत की है, इन्होंने हमसे भी ज्यादा तेज मेहनत की है, ये सोए नहीं है रातों उन्होंने काम किया है, फैसला हमारा है कि हमने जो है सिर्फ ऐसी बस चल के गुजारा कर लेना है, अच्छा खा लेना है, या अच्छा बड़ा बिजनेसमैन बन जाना है,